सेशन स्टार्ट, चलते हैं अपने नए नए टॉपिक, नए टॉपिक का नहीं, कल हमने स्टार्ट कर दिया था विश्वास। यहाँ हम थे, देख यहाँ 40 साल की उम्र दिख रहा है सुलोचना जी, ये मैंने हाईलाइट किया, यहाँ से रीडिंग मैम कर रही हूँ। अभी नहीं आया कभी। इनविजिबल नहीं है, हाँ नहीं अभी नहीं दिखा, कुछ कुछ नहीं दिख रहा ठीक है, है। ठीक हाँ जी हाँ हाँ जी, ठीक है, ये मैंने मार्क किया हुआ ना, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए स्क्रीन ना। ठीक है। नहीं, थोड़ा और बड़ा करिए इतने तो। हाँ अब ठीक है। रोशना जी फोन को घुमा दीजिए, इसलिए घुमा दीजिए तो हाँ आपको बड़ा घुमा, दिखेगा। मैंने घुमाया हुआ है फिर भी मेरे नजर उसको की आप प्रॉब्लम है ना, मुझे कम ही दिखता है। नहीं, आप तो अपने तरफ से भी जूम कर सकते हो, आप तो और बड़ा दिखेगा आपको। ठीक नहीं हो रहा जूम, पता नहीं उधर से कुछ किया है, हो नहीं रहा। हो गया हो गया हो गया, अब बड़ा ही ज्यादा ही जूम हो गया। उसको दोबारा से खींच लो तो छोटा हो जाएगा। हाँ हो गया। ये जो मैंने मार्क किया ना, यहाँ 40 साल की उम्र से, यहाँ से स्टार्ट कर, ठीक है। अच्छा 40 साल, 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला वे उसमें असफल रहे। वे किसी गुमनाम जगह से आए हुए गुमनाम आदमी थे। जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया और उस अनुभव के उनके दिलो दिमाग में सोई हुई उनकी प्रतिभा को नहीं जगाया, तब जाकर वे दुनिया के सचमुच महान लोगों में से एक बन सके। ये अनुभव दुख और प्रेम के भावों से जुड़ा हुआ था। ये अनुभव एन रुटलेज के माध्यम से आया, जो इकलौती महिला थी जिसे लिंकन ने प्रेम किया था। ये एक सुपरिचित तथ्य है कि प्रेम का भाव विश्वास की मानसिक अवस्था से बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कारण ये है कि प्रेम हमारे विचार स्वयंगों को उनके आध्यात्मिक रूप में बदलने से सबसे करीब होता है। अपने शोध के दौरान लेखक ने पाया कि सैकड़ों सफल लोगों की जीवनियों और उपलब्धियों के विश्लेषण से ये पता चलता है कि उनमें से लगभग सभी की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला के परम का प्रभाव। कहाँ गया? दिख रहा है ये, मैंने हाईलाइट किया। हाँ, अभी दिखा, अभी नीचे है। और हाँ, उनके लगभग सभी सफलता के पीछे किसी न किसी महिला के परम का प्रभाव स्पष्ट रूप से था। अगर किसी विश्वास की शक्ति का प्रमाण चाहते हैं तो उन पर पुरुषों और महिलाओं के उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जिन्होंने इनका प्रयोग किया है। सूची में सबसे ऊपर नजारेन का नाम आता है। ईसाई धर्म का आधार है आस्था। चाहे कितने ही लोगों ने इस महान शक्ति के अर्थ को गलत ढंग से विश्लेषित किया है और तोड़ा मरोड़ा है। ईसा मसीह की शिक्षा और उपलब्धियों का सार, जिसे चमत्कार के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है, विश्वास था, आस्था ही है। अगर चमत्कार जैसे कोई चीज होती तो ये केवल उस मानसिक अवस्था के द्वारा बस 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 हो सकती है, जिसे विश्वास कहा जा सकता है। आइए अब हम इस आदमी के जीवन में विश्वास की शक्ति देखें, जिसे पूरी मानव सभ्यता बहुत अच्छी तरह से जानती है। उस आदमी का नाम है महात्मा गांधी। इस आदमी में विश्वास की संभावनाओं का सबसे चमत्कारी उदाहरण देखने को मिलेगा। अपने समय में गांधी जी के पास जितनी शक्ति थी उतनी किसी भी जीवित व्यक्ति के पास नहीं थी,
और इसके बावजूद उनके पास शक्ति के कोई पारंपरिक औजार नहीं थे, जैसे कि धन, युद्ध के जहाज, सिपाही या हथियार। गांधी जी के पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, उनके पास एक सूट भी नहीं था, परंतु उनके पास शक्ति थी। उनके पास ये शक्ति कैसे आई? उन्होंने इसे विश्वास के सिद्धांत की समझ के द्वारा विकसित किया, और उनमें ये योग्यता थी कि वे अपनी आस्था को 20 करोड़ लोगों के दिमाग में बो सके। गांधी जी ने 20 करोड़ मन को एक दिमाग की तरह एक साथ जुड़ने और एक साथ साथ चलने के लिए प्रेरित किया, जो एक महान कार्य था। विश्वास के सिवाय और कणों की शक्ति इतना कर सकती थी। 20वीं सदी के मध्य में मार्टिन लूथर किंग को मानव अधिकारों और सभी लोगों के गौरव की रक्षा करने के लिए उनके मन में गहरा विश्वास था, जिसकी वजह से हर जाति संप्रदाय में विश्वास करने वाली महिलाओं एवं पुरुषों के ने उनके समाज में एक समान अधिकारों के संघर्ष से जुड़े। उनका सपना था कि किसी को उसके रंग से उनका सपना था कि किसी को उसके रंग से नहीं बल्कि उसके चरित्र से पहचाना जाना चाहिए। उनका यह सपना पूरी तरह से पूरा नहीं हो सका, परंतु उनके कार्य और मृत्यु ने संपूर्ण दुनिया में एक नवचेतना की तरह कार्य किया और लोगों को लगातार इससे जुहन के लिए प्रेरित कर रहा है। बिजनेस और उद्योग चलने में विश्वास और सहयोग की जरूरत होती है। ऐसे में ये रोचक भी है और लाभदायक भी। हम एक घटना का विश्लेषण करें जो हमें बहुत अच्छे ढंग से ये तरीका समझाती है, जिसके द्वारा उद्योगपतियों और बिजनेसमैनों ने बहुत बड़ी दौलत कमाई तथा उन्होंने लेने से पहले देने के तरीके से ऐसा कर दिखाया। ये घटना 1900 की है, जब यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन बन रहा था। जब आप कहानी पढ़ें तो इन मूलभूत तथ्यों को अपने दिमाग में रखें और आप समझ पाएंगे कि किस तरह विचार बड़े खजानों में बदलते हैं। अगर आप उन लोगों में से जो अक्सर आश्चर्य करते हैं कि किस तरह ढेर सारी दौलत कमाई जाती है, तो यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉरपोरेशन के निर्माण की ये कहानी आपको काफी कुछ सिखा देगी। अगर आपको इसके बारे में जरा सी भी शंका है कि इंसान विचारों के माध्यम से जहाँ सोच कर अमीर बनते हैं, तो ये कहानी आपके मन में शंका को भगा देगी, क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट्स स्टील की कहानी में इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों का प्रयोग कर पाएंगे। उस $1 बिलियन के भाषण के काफी दिन बाद 12 दिसंबर 1900 की शाम को देश देश के लगभग 80 अमीर दिग्गज फिफ्थ एवेन्यू के यूनिवर्सिटी क्लब के समारोह हॉल में इकट्ठे हुए। अवसर था पश्चिम से आए हुए एक युवक का सम्मान करना, परंतु आधा दर्जन से अधिक अतिथियों को इस बात का एहसास नहीं था कि लोग अमेरिका औद्योगिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटना देखने जा रहे थे। ऊपर करिए मैम थोड़ा। ये एडवर्ड सिमस और चार्ल्स स्टीवर्ट सिमत के हृदय कृतज्ञता से भरे थे, क्योंकि जब वे हाल ही में पिट्सबर्ग गए तो चार्ल्स एम शबाब ने उदारतापूर्वक मेहमान नवाजी की थी और उनकी अद्भुत अतिथि सत्कार किया था। सिमस और सिमत ने 48 साल के
से पूर्वी बैंकिंग सोसाइटी का अपरिचय कराने के लिए करवाने के लिए इस डिनर का आयोजन किया था, परंतु उन्हें आशा नहीं थी कि वे इस समारोह में हंगामा खड़ा कर देंगे। उन्होंने उन्हें ये चेतावनी दी थी कि न्यूयॉर्क के लोग भाषण की कला को पसंद नहीं करेंगे और उनसे प्रभावित नहीं होंगे। यदि वे स्टीलमैन, हरीमे और बोल्डविट जैसे श्रोताओं के को बोर नहीं करना चाहते, तो बेहतर होगा कि वे आप भाषण को 15 या 20 मिनट तक सीमित रखें और फिर अपनी बात खत्म कर दें। जॉन पियरपोर्ट मॉर्गन अपने उच्च पद के कारण शबाब की दाई तरफ बैठे हुए थे। वे भी इस समारोह में सिर्फ कुछ देर तक ठहरने वाले थे, और जहां तक प्रेम और जनता का सवाल था, पूरा मामला इतना महत्वहीन था कि अगले दिन इस समारोह को का जिक्र किसी भी अखबार में नहीं छापा। दोनों मेजबानों और प्रखर अतिथियों ने अच्छी तरह से डिनर किया। बीच में बहुत काम चर्चा हुई और जितनी हुई वह भी तनाव के माहौल में हुई। बहुत काम बैंकर और ब्रोकर शबाब से मिले थे, जिसका करियर मनो गहेला के किनारे पर परवान चढ़ा था, और उसे कोई भी अतिथि ठीक से नहीं जानता था। परंतु शाम खत्म होने से पहले उन ऊपर कर परंतु शाम खत्म होने से पहले उन सभी और मनी मास्टर मार्गन के पैरों टैल जमीन खिसक गई। तले लिखना होगा, पैरों तले जमीन खिसक गई। और बिलियन डॉलर के यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉरपोरेशन का बीज बोया था। इतिहास के लिहाज से शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस डिनर में चार्ल्स शवाब के लिए हुए भाषण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। शायद ये एक घरेलू भाषण होगा जिससे ग्रामर की कई गलतियां होंगी, क्योंकि शबाब भाषा की शुद्धता पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, और उस भाषण में सुकतियां और चुटकुले भी होंगे। परंतु इनके अलावा उनमें एक प्रबल शक्ति थी जिनका उन 5 बिलियन डॉलर के लगभग की संपत्ति वाले श्रोताओं पर अविस्मरणीय प्रभाव पड़ा। जब ये 90 मिनट का भाषण समाप्त हुआ और जब श्रोता इसके जादू के कारण अब भी मंत्रमुग्ध थे, तो मार्गन वक्त को एक खिड़की के पास अलग ले गए, जहां चौखट पर बैठकर और पैरों को नीचे लटकाकर उन्होंने 1 घंटे तक चर्चा की। शबाब के व्यक्तित्व का जादू पूरी शक्ति से काम कर रहा था, परंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण और अधिक स्थायी ये पूर्ण और स्पष्ट प्रोग्राम था जो उन्होंने स्टील के विस्तार के लिए प्रस्तुत किया था। कई और लोगों ने मार्गन की रुचि जगाने की कोशिश की थी, और वे स्टील के लिए भी उसी तरह का ट्रस्ट बनाए जिस तरह बिस्किट बायर और हुप शक्कर रबर बिस्की तेल जहाँ च्युंगम के लिए बना रखा था। जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के गैम्बलर ने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु मार्गन को उस पर भरोसा नहीं था। बिल और जिम मूर को, जो शिकागो में स्टॉक जामे थे और जो एक मैच ट्रस्ट और क्रैकर कॉरपोरेशन बना चुके थे, उन्होंने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु वे भी असफल हुए थे। देहात के वकील अल्बर्ट एच गैरी भी यही चाहते थे, परंतु वे इतने बड़े नहीं थे कि उनकी बातों का
उनकी बातों का प्रभाव पड़े, सिर्फ शब्द सिर्फ शबाब की वाक्य पटुता ही जेपी मार्गन को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकी, जहां से वे ये देख पाए कि इस साहसिक आर्थिक कार्य के कितने जबरदस्त परिणाम निकलेंगे। हालांकि आसानी से पैसे कमाने वाले लोगों की नजर में ये विचार एक पागलपन भरा सपना ही था। आर्थिक चुंबकीय एक पीढ़ी पहले शुरू हुई थी और इससे स्टील जगत में हजारों छोटी और कई मामलों में अक्षमता से चलाई जा रही कंपनियों को बड़े और प्रतियोगिता से धराशाही हो चुके कारपोरेशनों में तब्दील किया था। और ये हसमुख 19 पाइरेन जॉन डब्ल्यू गेट्स के द्वारा खोजी गई तकनीकों से संभव हुआ था। छोटी कंपनियों से गट्स पहले ही अमेरिकन स्टील एंड वेयर हाँ जी चुके थे, और मार्गन के साथ मिलकर उन्होंने फेडरल स्टील कंपनी बना ली थी। परंतु अगर इनकी तुलना एंडू कार्नेगी के विशाल काय ट्रस्ट से की जाए, जिसके स्वामी और संचालक थे, तो ये सारी कंपनियों और कॉरपोरेशन बौने थे। चाहे वे कितनी ही एकता का परिचय दे दें, परंतु वे सब मिलकर भी कार्नेगी साम्राज्य में सुरंग नहीं लगा सकते थे। और मार्गन ये बात जानते थे, कार्नेगी भी ये बात जानते थे कि वो कैसल की शानदार ऊंचाइयों में उन्होंने पहले तो रोचकता से और बाद में चिढ़कर देखा कि मार्गन को छोटी कंपनियां उनके बिजनेस में किस तरह प्रवेश कर रही हैं। जब ये प्रयास अधिक साहसिक हुए तो कार्नेगी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। उन्होंने ये फैसला किया कि वे प्रतियोगियों की हर मिल को डुप्लीकेट करेंगे। अब तक उन्होंने वायर, पाइप, हुक या शीट में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। इसके बजाय वे इतने में ही संतुष्ट थे कि उन्हें इस अपने मनचाहे आकार में ढलने देते। परंतु अब सब प्रमुख और योग्य लेफ्टिनेंट शबाब के सहयोग से वे अपने दुश्मनों को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। चार्ल्स एम शबाब के भाषण में मार्गन को एक की समस्या का जवाब मिल गया। कार्नेगी के बिना बिना कोई ट्रस्ट जिसके पास सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, दरअसल ट्रस्ट कहा ही नहीं जा सकता। जैसा एक लेखक ने कहा, ये ऐसा नींबू का शरबत होगा जिसमें नींबू ही ना हो। 12 दिसंबर 1990 की रात को शबाब के भाषण में निश्चित रूप से ये संकेत था। हालांकि इस संकेत का कोई दावा या वादा नहीं किया गया था कि विशाल काय कार्नेगी साम्राज्य मार्गन के टेंट में लाया जा सकता है। शबाब ने स्टील के भविष्य के बारे में चर्चा की और एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर दिया जिसमें सक्षमता हो, विशेषज्ञता हो, असफल मिले की तालाबंदी हो और सफल बस्तियों पर प्रयास की एकाग्रता हो, खनिज के आवागमन में बचत हो, ओवरहेड और प्रशासनिक मदों में बचत हो और विदेशी बाजार में सफल प्रवेश हो। यही नहीं,
उन्होंने उन लोगों को ये भी बताया कि पारंपरिक पायरेसी की गलतियां कहाँ हो रही हैं। उन्होंने ऐसा संकेत किया कि उनके बिजनेस का वर्तमान लक्ष्य मोनोपाली बनाना, कीमतें बढ़ाना और पूरी प्रक्रिया से खुद को मीठे मीठे डिविडेंड देना था। शबाब ने रोचक अंदाज में इस सिस्टम की आलोचना की। उन्होंने अपने श्रोताओं को ये बताया कि इस तरह की नीति में दूरदर्शिता नहीं है, और इसका कारण ये है कि वह बाजार को एक ऐसे युग में संकुचित कर रही थी जिसमें हर तरह विस्तार का बोलबाला था। उन्होंने ये दावा किया कि स्टील की कीमत काम करने से बाजार का विस्तार होगा, स्टील के अधिक उपयोग खोजे जाएंगे और विश्व के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा उनकी झोली में आ जाएगा। दरअसल, हालांकि शबाब को ये बात पता नहीं थी, परंतु शबाब आधुनिक मास प्रोडक्शन के मसीह थे। यूनिवर्सिटी क्लब का डिनर समाप्त हुआ। मार्गन अपने घर लौट गए और शबाब की सुनहरी भविष्यवाणी के बारे में सोचते रहे। शबाब वापस पिंट्सबर्ग लौट गए और जहां वे एंड कार्नेगी का स्टील बिजनेस चला रहे थे। गैरी और बाकी लोग अपने स्टॉक टिकेरेस के पास वापस लौट गए। यहाँ वे अगले कदम का इंतजार करने लगे। इससे ज्यादा वक्त नहीं लगा, शबाब ने उनके सामने तर्कों का जो भोज रखा था उसे पचाने में मार्गन को एक सप्ताह लगा। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से आश्वस्त कर लिया कि परिणाम आर्थिक अपच नहीं होगी। उन्होंने शबाब को बुलवाया उन्होंने शबाब को बुलवाया और उन्होंने पाया कि वह युवक जरा संकोची था। शबाब ने संकेत किया कि कार्नेगी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि उनकी कंपनी का विश्वसनीय प्रेसिडेंट वॉल स्ट्रीट के साम्राज्य के साथ मुलाकात कर रहा है, जबकि कार्नेगी ने ये कसम खाई थी कि वे वॉल स्ट्रीट पर कभी कदम नहीं रखेंगे। फिर जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के बिचौलिए ने ये सुझाव दिया कि अगर शबाब फिलाडेल्फिया में बेलव्यू होटल में जा रहे तो एपी मार्गन भी उसी समय उस होटल में रहेंगे। जब शबाब आए तो मार्गन दुर्भाग्य से न्यूयॉर्क के अपने घर में बीमार थे और इसलिए उनके प्रबल आग्रह पर शबाब न्यूयॉर्क गए और उस आर्थिक दिग्गज की लाइब्रेरी में उन दिनों की मुलाकात हुई। कुछ आर्थिक इतिहासकारों कुछ आर्थिक इतिहासकारों की माने तो इस नाटक की शुरुआत से लेकर अंत तक मंच में निर्देशक एंड कार्नेगी थे। वे ये मानते हैं कि शबाब के डिनर से लेकर उनका प्रसिद्ध भाषण, शबाब और मार्गन की रविवार रात मुलाकात तक की सारी घटनाएं चतुर शकोत कार्नेगी के दिमाग की उपज थी। परंतु सच्चाई इससे ठीक अलग थी। जब शबाब को इस सौदे का अंतिम रूप देने के लिए बुलाया गया तो वे ये नहीं जानते थे कि लिटिल बॉस एंड्रू कार्नेगी इसे मानेंगे भी या नहीं। वे बेचने के प्रस्ताव के बारे में सोचेंगे भी या नहीं, खासकर उन लोगों को जिनसे वे बुरी तरह चिढ़ते थे। परंतु शबाब उस मुलाकात के साथ अपनी ही लिखाई में कॉपर प्लेट के आंकनों की 6 शीट जिनमें ये लिखा हुआ था कि इस नए ट्रस्ट का हर स्टील कंपनी का आर्थिक मूल्य और उसकी संभावित आर्थिक कमाई की क्षमता क्या थी।
चार लोग उन आंकड़ों की विश्लेषण चार लोग उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पूरी रात बैठे रहे। जाहिर है कि इससे सबसे प्रमुख व्यक्तित्व मार्गन थे, जिनका धन के दैवी के अधिकार में दृढ़ विश्वास था। उनके साथ उनका अविजात्य पार्टनर रॉबर्ट बेकिन था, जो एक विद्वान और सुसंस्कृत व्यक्ति था। तीसरा था जॉन डब्ल्यू गेट्स, जिसे मार्गन एक गैम्बलर होने के कारण छोटा समझते थे और उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करते थे। चौथे खुद छबाब थे, जो स्टील बनाने और बेचने की प्रतिक्रियाओं के बारे में उस समय जीवित किसी भी समूह से अधिक जानते थे। पूरी चर्चा में पिट्सबर्ग के इस आदमी के आंकड़ों के बारे में कोई सवाल नहीं किया गया। अगर उन्होंने कह दिया कि किसी कंपनी का मूल्य इतना था, तो उस कंपनी का मूल्य उतना ही था, ना उससे अधिक ना उससे कम। उन्होंने ये बात पर जोर दिया कि ट्रस्ट में केवल वही कंपनियां रहें जिनका नाम उन्होंने लिखा था। उन्होंने एक ऐसे कॉरपोरेशन की रचना की थी जिसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा और उन मित्रों के लालच की संतुष्टि भी नहीं होगी जो अपनी कंपनियों के बोझ को मार्गन के विशाल कंधों पर उतारना चाहते होंगे। जब सुबह हुई तो मार्गन उठे और उन्होंने अपनी कमर सीधी की। केवल एक ही सवाल रह गया था, क्या आपको लगता है कि आप एंडू कानेगी को बेचने के लिए राजी कर रहे हो? उन्होंने पूछा। शबाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर लें तो मैं खरीद लूंगा, मार्गन ने जवाब दिया। शबाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर लें तो मैं खरीद लूंगा, मार्गन ने जवाब दिया। यहां तक सब कुछ ठीक था, परंतु क्या कार्नेगी बेचेंगे? और अगर बेचेंगे तो वे बदले में कितनी रकम मांगेंगे? शबाब का अनुमान था लगभग, पता नहीं कितना, ये 320 लाख डॉलर। नहीं क्या है, 320 लाख डॉलर। और वे इस रकम किस रूप से चाहेंगे? कॉमन या प्रिफर्ड स्टॉक के रूप में, वांट के रूप में, नकद? कोई भी 1 बिलियन डॉलर का प्रतिशत नकद में नहीं दे सकता था। जनवरी में इसको यहीं रहने दे, जनवरी में हाँ सुलोचना जी, जी हाँ आपसे कल करते हैं। जी ओके ओके पेज नंबर 42 मैम, मुश्किल था ना थोड़ा पढ़ना, अक्षर के थोड़े मुश्किल थे तब से। हाँ हाँ है। इससे मुश्किल लैंग्वेज ना तो उसकी है, बुक की। हाँ दूसरी वाली बुक की ज्यादा थी इससे भी ज्यादा। अब बताइए, किसी ने अभी जितनी भी रीडिंग की से क्या सीखा? भी जो माइंड में क्लिक किया कि हाँ कर सकते हैं। कोई भी नहीं शेयर करना चाहेगा? करो शेयर, किसने क्या सीखा। मैं तो बीच बीच में अक्षर मुश्किल थे वहां। मुझे जो समझ आया ना इसमें, ये था कि अपने दृढ़ निश्चय के साथ उसने काम किया। देखो, स्टील उस टाइम में नहीं, स्टील कंपनीज नहीं थी, बट उसने आज की डेट में उस दृढ़ निश्चय के साथ स्टील कंपनी, आज सभी लोग जानते हैं, टाटा स्टील, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। तो क्या था कि उसने उस दृढ़ निश्चय के साथ उस काम को किया, उस पे एक मोनोपोली बना ली। आज स्टील का रिप्लेसमेंट क्या है? सबके घर में स्टील यूज होती है कि नहीं होती है ना? तो एक मोनोपोली उसने मतलब मार्केट में कर दी, और उसी पे अड़ा रहा कि ये होगा, मैं इस बिजनेस को इतना कर दूंगा, मतलब एक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, और जो आज हो चुका है स्टील
स्टील का बिजनेस, बर्तनों की दुकान पर चले जाओ, वो कांस वो सब कम मिलेंगे, आपको स्टील ज्यादा मिलेगी, है ना? मुझे तो यही समझ आया कि आप जो करना चाहते हो ना उस पे दृढ़ निश्चय के साथ डटे रहो, एक्शन करो। आप ये मत सोचो होगा नहीं होगा, आपका अगर पॉजिटिव माइंडसेट है कि आपको करना है तो वो हो जाएगा। बस आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर लूंगी। जहां पे आपका विश्वास डगमगाया ना, तो फिर वो तो कोई कितनी भी कोशिश कर लेगा वहां नहीं हो पाएगा। आपको अपना विश्वास स्ट्रांग रखना है, क्लियर है? मुझे तो यही समझ आया, और किसी को कुछ और मतलब क्लिक किया हो तो बताओ। मैम, ये जितनी भी कहानियां आ जाके रिजल्ट रही है इनका, जो भी आप सुनाते हो, हाँ जी मतलब अपना अपने आप को रखो कि मैंने करना है, बस एग्जैक्ट, करना है। उस निश्चय के साथ जब इस बिजनेस को, ये पर्सनल लाइफ में भी है, पर्सनल लाइफ में भी आप कई चीजें हमें चैलेंज करती हैं, हमारे आसपास की, हमें आगे बढ़ने या कुछ भी करने से लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, मगर अगर आप टिके रहोगे ना उस विश्वास के साथ कि हाँ ये हो जाएगा, मैं कर लूंगी, तो वो चीज हो जाएगी, फिर उसको कोई नहीं। अच्छा अच्छा मैम, मैं ना कल प्रोडक्ट 2-3